संविधान के तमाम तरह के आर्टिकल्स जो गरीब पिछड़ों ओबीसी अल्पसंख्यक के जीवन सुधार के लिए उनकी स्थिति को सुधारने के लिए बाबा साहब के संविधान द्वारा सब लोगों को जो मिले हैं और उनको जो सुविधाएं मिली हैं, आज केंद्र की बीजेपी सरकार एक एक करके, चाहे वो शिक्षा क्षेत्र हो, चाहे वो रोजगार क्षेत्र हो, चाहे वो धार्मिक मामला हो, चाहे वो प्रतिनिधित्व में हिस्सेदारी हो, एक एक को कर करके संविधान की आत्मा को नष्ट करने का काम बीजेपी सरकार कर रही है। मैं अखिल भारतीय गुर्जर परिषद का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते और ओबीसी समाज को रिप्रेजेंट करते हुए मैं केंद्र की सरकार से ये कहना चाहता हूं कि या तो आप आरक्षण में जो पदोन्नति वाला आपने संविधान आर्टिकल 46 जो तमाम तरह की सुविधाएं शक्तियां देता है दबे कुचलों ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी के और महिलाओं को, या तो आप इसे तुरंत वापिस लें, नहीं तो पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश के गुर्जर समाज और तमाम ओबीसी समाज, यदि आप उनके साथ न्याय नहीं करते हैं तो मजबूरन सड़क के माध्यम से शांतिपूर्वक आंदोलन के माध्यम से अपनी बात इस केंद्र की सरकार तक पहुंचाने का काम करेगा और इनको ये बिल वापस लेना पड़ेगा, चाहे उसके लिए राजस्थान गुर्जर आंदोलन की पुनरावृत्ति ना करनी पड़े। लेकिन हम इसी मुद्दे पे कि आज देश की स्थिति पूरी दुनिया में आपने देखा हो 102 स्थान पर बेरोजगारी और भुखमरी के 102 स्थान पर पहुंच रही है। आज शिक्षा रोजगार और चिकित्सा तमाम मुद्दों पे एक बात होनी चाहिए, लेकिन ये आरएसएस की आइडियोलॉजी है जो एक एक वर्ग को, एक एक देश के गरीब पिछड़े कमजोर को परेशान करने के लिए कोई ना कोई अपना नया एजेंडा लाते हैं और मनुस्मृति को संविधान की जगह रखना चाहते हैं। हम इनको किसी भी तरह इसमें कामयाब नहीं होने देंगे। देश की अखंडता के लिए, देश की एकता के लिए, देश के भाईचारा कायम करने के लिए, चाहे हमें संवैधानिक तरीके से आंदोलन में किसी भी हद तक जाना पड़े। धन्यवाद। बोर्ड के सीनियर वकील हमारे साथ में मौजूद हैं राहुल प्राचा साहब। इसलिए तो बाद बाद में इसमें वो करेक्टर से का नाम करके बात करें। धन्यवाद फ्रेंड्स। जय भीम। जब ये CAA, NRC और LPR को लागू करने के लिए अपने मनमाने तरीके से केंद्र की सरकार ने कदम उठाए थे और ये एक्ट बनाया था पार्लियामेंट के माध्यम से, उसके बाद आप सभी को याद होगा मैं और चंद्रशेखर साहब जब जामा मस्जिद पे गए थे तो हमने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी जो आज एकदम जीवंत हो गई है हमारी बात कही, और वो बात ये कही गई थी कि ये मुस्लिम कम्युनिटी का तो सिर्फ बहाना है, असल में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान खत्म करके मनुस्मृति लागू करने की ये एक तरीका है जिसमें सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी की नहीं बल्कि SC ST OBC की जो कम्युनिटीज हैं और दूसरी जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं उनकी सिटीजनशिप को भी डाउट में डालने के लिए ये CAA, NRC और NPR की एक्सरसाइज शुरू की जा रही है, ताकि संविधान के तहत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो भी सुरक्षाएं प्रदान की थी इन वीकर सेक्शंस को, कमजोर तबकों को, जैसे कि रिजर्वेशन और दूसरी चीजें, उन सभी के ऊपर हमला है। जैसे ही सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता के ऊपर सवाल खड़े होंगे CAA और NRC के द्वारा, उसी के साथ साथ SC ST OBC समाज के लोगों की सभी जो सुरक्षाएं हैं, संवैधानिक सुरक्षाएं, वो भी खतरे में आ जाएंगी।
और इसीलिए सभी लोगों को खड़े होना चाहिए। जामा मस्जिद 20 दिसंबर के बाद आपने देखा कि पूरा देश 85% से ज्यादा जनता सड़कों पे है और केंद्र सरकार ने अपनी जो मंशाएं थी वो कोई छुपे हुई नहीं रखी है। उत्तर प्रदेश में जो कानून अभी उत्तराखंड में लागू किया गया था, और मैं ये बात भी कहना चाहता हूं कि ये 2012 से ये जो किया गया था विनोद कुमार की जो जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की अभी, वो वही कानून है जो पूरे उत्तर प्रदेश में भी लागू होना है। वो वही कानून एडॉप्ट किया गया था उत्तराखंड सरकार ने, उसके लिए एक कमेटी बनी थी नागराज की जो जजमेंट है रिजर्वेशन के लिए कि उसमें ये सर्वे किया जाना चाहिए कि इनएडिक्वेसी एससी एसटी और ओबीसी की कितनी सरकारों में है, उसी हिसाब से रिजर्वेशन और प्रमोशन दी जानी चाहिए। वो एक्सरसाइज 2012 तक उत्तराखंड सरकार ने पूरी की थी और उसमें ये फाइंडिंग भी आई थी कि हाँ इनकी रिप्रेजेंटेशन एससी एसटी ओबीसी की कम है, इनको रिजर्वेशन मिलनी चाहिए प्रमोशन में भी और एंट्री लेवल पे भी। उसके बाद आर्बिट्ररी तरीके से 2012 में एक फैसला किया गया कि बावजूद इसके कि ऐसी फाइंडिंग आई है डेटा में, इसको खत्म करना है रिजर्वेशन, और उसको अपहोल्ड किया सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जो बीजेपी की तरफ से लॉयर्स अपीयर हुए, जिन लॉयर्स ने जो बीजेपी के आइडेंटिफाइड लॉयर हैं, आप लोग सब जानते हैं जजमेंट में लिखा हुआ, वो लोगों ने सरकार की तरफ से पेश होकर ये कहा कि बावजूद इसके के जरूरत है, बावजूद इसके के नागराज की जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की इंदिरा सानी के बाद, जरूरत है प्रमोशन की, इनकी रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है एससी एसटी और ओबीसी की, उसके बावजूद भी जो सरकार ने फैसला किया रिजर्वेशन नहीं देनी है वो ठीक है क्योंकि संविधान और कानून ये नहीं चाहता। ये झूठी जो उन्होंने बात कही थी कि रिजर्वेशन मिले, ये सरकार का हक होना चाहिए पूरा, चाहे कितनी भी जरूरत हो रिजर्वेशन मना की जा सकती है, और सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की कोई पावर नहीं है कि इसके ऊपर वो इंटरफेरेंस करके रिजर्वेशन दिला सके। यहां तक की बातें बीजेपी की सरकार के बड़े बड़े वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में की थी, वही बात मान के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। इसका मतलब क्या हुआ, जरूरत है, मानी जाएगी ये बात संवैधानिक तरीके से रिसर्च करके कि जरूरत है रिजर्वेशन की, उसके बाद भी सरकार का ये राइट है कि वो मनुवादी मानसिकता की वजह से ये कहेगी कि रिजर्वेशन वहां पे हम लोगों ने हम प्रेस हैंडआउट भी दे रहे हैं। जो अब थीम रहेगी वो ये रहेगी कि हम संविधान बचाने के लिए ही बात कर रहे थे सीए एनआरसी के लिए भी के टाइम पे भी, अब आरक्षण बचाओ संविधान बचाओ, दूसरा सीए एनआरसी हटाओ संविधान बचाओ, यानी कि ये दोनों इश्यूज जो है संविधान के ऊपर ही अटैक है। रिजर्वेशन हटाना भी संविधान के ऊपर अटैक है और सीए एनआरसी भी संविधान के ऊपर अटैक है। अप्रोक्ष रूप से रिजर्वेशन हटाने के लिए भी सीए एनआरसी का प्रयोग किया जा रहा है। ये जो सरकार की साजिश थी एकदम इसका पर्दाफाश हो गया है और इसके लिए देश की 85% से ज्यादा जनता अब साथ है और इस सरकार को अब सोचना पड़ेगा कि ये जो इनकी धोखेबाजी है अब बिल्कुल नहीं चल पाएगी। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूं और मैं गुजारिश करूंगा चंद्रशेखर साहब से कि वो अपने जो अब आगे का हमारा प्रोग्राम है किस तरीके से हम लोग इसको मुद्दों को उठाएंगे और किस हद तक हम जाएंगे, क्योंकि हम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं संविधान बचाने के लिए, वो सभी के बारे में चंद्रशेखर साहब अब आपको। धन्यवाद मेहबूल भाई, सबसे पहले तो यहाँ पहुंचे सभी मीडिया के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये संविधान की किताब है, इसे बचाने की लड़ाई है, बस कुछ लोग मिलकर इसे खत्म कर देना चाहते हैं और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि बच जाए और बचेगा भी, क्योंकि जब एक बड़ी आबादी इसके साथ खड़ी है तो बचेगा। अभी प्राइम मिनिस्टर को मैंने कई बार सुना, बड़ा अच्छा बोलते हैं, हम दलित हितेशी हैं, हम पिछड़ों के हितेशी हैं, सबका साथ सबका विकास, नारे बड़े अच्छे और सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं। अभी कह रहे थे सीएनआरसी पे चिल्ला चिल्ला कह रहे थे कि दलित ही आ रहे हैं वहां से, 70% दलित आ रहे हैं पाकिस्तान से, बांग्लादेश से और अफगानिस्तान से, उनकी परवाह कर रहे हैं हम लोग। मैं कह रहा हूं इस मुल्क में जो रह रहे हैं दलित पिछड़े आदिवासी धार्मिक अल्पसंख्यक, उनकी तो परवाह कर लो, इस मुल्क की तो परवाह कर लो, इनकी तो हो नहीं रही है।
मैं एक आंकड़ा भी है मेरे पास, सरकारी आंकड़ा दिखाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा आप लोगों को। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है कि जरूरत नहीं है अब इस देश का बहुजन समाज सरकार की दया पर रहे, अधिकारों की बात ना करे, कोई मौलिक अधिकार यहां नहीं है। और ऐसे सरकार बोल रहे, दोनों एक जैसी भाषा ना बोले, लोकतंत्र पर शक हो जाएगा। कि मुझे लगता है कि हमने ये संविधान पढ़ा है और भाजपा के लोग शायद मनुस्मृति की तरफ से देख रहे हैं सब चीजें। इसलिए आपको ये आंकड़े देने पड़ रहे हैं कि क्लास वन में एससी एसटी का रिजर्वेशन है 23%, और अभी तक जो इतने समय से रिजर्वेशन चल रहा है 5.5% पूरा हुआ है। हम पे आंकड़े हैं, सरकारी आंकड़े, लेकिन माननीय न्यायालय में आंकड़े नहीं, तो उनके ऑर्डर आ गया हमारी तरफ। क्लास वन में ओबीसी का 27% रिजर्वेशन है, बैठता तो 52% है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तब कहा 92 में कि हमारे पास क्योंकि जनगणना नहीं हुई दोबारा, तो हमें जानकारी नहीं, गाय बिल्ली कुत्तों की हो जाएगी, सब लोगों की हो जाएगी, लेकिन ओबीसी की नहीं होगी जनगणना, अगर होगी तो देश विरोधी काम है ये, ऐसा सरकार कहती है। तो उनका 27% रिजर्वेशन बैठता है, 4.5% अब तक पूरा हुआ, तो इसलिए कह रहे हैं कि नहीं देंगे, नहीं बिल्कुल भी रिजर्वेशन। उनपे तो पहले ही बैन कर देता, क्रीमी लेयर और प्रमोशन रिजर्वेशन नहीं देंगे। माइनॉरिटी की 19% आबादी है, कुछ लोगों तो है ही नहीं है, लेकिन 1% रिजर्वेशन है अभी तक जो पूरा हुआ है, जो मिला है। अब इतना कुछ नहीं मिला, कौन से आंकड़े चाहिए मेरी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन देंगे आंकड़े भी, प्रयास करेंगे कि गलतियां हो जाती। अब कैसे गलतियां होती ये भी बात मैं रखूंगा अभी आगे। सबसे पहले तो मेरी दरखास्त रहेगी, हमारे बहुत जिम्मेदार एमपीएमएलए हैं सभी गवर्नमेंट में पूरे देश के अंदर, तो अगर एससी एसटी ओबीसी के जो एमपीएमएलए उनसे दरखास्त है, उनको सुनेंगे भी से जरूर, क्योंकि बहुत प्यार करते हैं उससे, कि आप बाबा साहब के संविधान और समाज के प्रति अगर आप में जरा से भी संवेदनाएं हो, तो आप गवर्नमेंट पर दबाव बनाए कि वो इस पर अध्यादेश लाए, ऑर्डिनेंस लाए, और इसको संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल दे, जिससे न्याय हस्तक्षेप बिल्कुल खत्म हो जाए। हमारे अधिकारों की बात होगी तो न्याय हस्तक्षेप हमारे ऊपर ज्यादा होता है, तो आपसे निवेदन है अगर ऐसा नहीं कर पाते, सरकार आपकी बात नहीं मानती, तो उनके चेहरे भी उजागर हो जाते हैं, क्योंकि कितने देशी हैं दलित पिछड़े और आदिवासियों के, मुसलमानों के, धार्मिक अल्पसंख्यकों के, और ऐसा नहीं करती हो तो आप दबाव बना के इस्तीफा भी दे सकते हैं, इससे भी आपका समाज के प्रति चेहरा उजागर होगा कि आप समाज से कितना प्रेम करते हैं। ये पहली रिक्वेस्ट है। दूसरी है केंद्र सरकार से भी आग्रह, क्योंकि केंद्र सरकार भी हमेशा से दलितों पिछड़ों आदिवासियों के साथ खड़ी रही, खूब मारा इन्हें, तो उनसे भी मेरा एक आग्रह है कि तुरंत प्रभाव से सरकारी और प्राइवेट जो सेक्टर है उनमें पढ़ाई में, नियुक्ति में और प्रमोशन में रिजर्वेशन की व्यवस्था जो है संख्या के आधार पर, जो सामाजिक न्याय का की मूल अवधारणा कॉन्स्टिट्यूशन में, उस पर लागू करें। अगर आप वास्तविकता में कॉन्स्टिट्यूशन को, इसी भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया, उस पर चल रहे हैं, अगर आप मनुस्मृति के हिसाब चल रहे हैं तो आप बिल्कुल ना करें, फिर हम लोग सड़क से कराएंगे आपसे, ये हमारी जिम्मेदारी बैठती है। एक ये बहुत गंभीर बात है, इस पे हो सकता है कि मुझे फिर से सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट कहे कि आप सम्मान क्या करो, मैं बिल्कुल करता हूं सब लोगों का सम्मान, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान करना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। उच्च न्यायपालिका में रिजर्वेशन के लिए बहुत दिन से हम लोग डिमांड कर रहे हैं, हायर जुडिशरी में, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, अभी तक तो नहीं मिला, और मुझे ऐसा लग रहा है कुछ गलतियां हो रही है, क्योंकि एक बड़ा समूह बैठ के, एक ही जाति धर्म का समूह बैठ के सब लोगों के प्रति अच्छे फैसले नहीं दे सकता, ये हमें लग रहा है। और क्यों इसका कारण बताना, गलतियां सबसे होती है, हमेशा सुप्रीम कोर्ट की कलम हमारे ऊपर बहुत तेजी से चलती है और तुरंत तत्काल प्रभाव से चलती है, बाकी इकोनॉमिक रिजर्वेशन का मामला तो वो कह देते हैं अभी स्टे नहीं होगा, अभी तो चलने दो, तो ये गलत है। दो बार गलती हुई है माननीय सुप्रीम कोर्ट से, मैं बता दूं, आप लोग नोट कर लें, पहली बार गलती हुई थी उनकी एससी एसटी एक्ट पे, और ये उन्होंने एडमिट भी की है, और अभी कल परसों इस पे भी आया था फैसला, ये सही है और होना चाहिए, एससी एसटी एक्ट में तुरंत गिरफ्तारी है, ये कोर्ट का ही फैसला था, तो फिर वो बदला भी गया, लेकिन उसमें हमारा कितना नुकसान हुआ ये बताना जरूरी है। 2 अप्रैल को हम लोग सड़कों पर आए थे, 14 से 15 लोगों की जान गई, इतने हमारे लोगों ने शहीदगी दी, और हजारों लोग मुकदमे झेल रहे हैं अभी भी पूरे देश के अंदर। इतना नुकसान होने के बाद सुप्रीम कोर्ट को पता लगा कि उनसे गलती होगी, और ऐसा ही उनका फैसला आया था रविदास मंदिर पर, संत श्रोमणी सतगुरु रविदास जी का मंदिर तुगलकाबाद में, उस पर फैसला आया था, बाद में उन्हीं का ऑर्डर आया कि बनना चाहिए, और जगह भी दे रहे हैं, सरकार से कह रहे हैं कि दो, तो गलतियां हो जाती है, हम मानते हैं गलतियां होगी है।
अब पता नहीं क्या हो रहा है कि नौ जज की बैच का फैसला दो जज की जो बैच है वो बदल दे रही है, ये नहीं होना चाहिए। तो हमारी आस्था जो है, हमारा विश्वास सुप्रीम कोर्ट में बना है और बना रहेगा। उम्मीद है कि वो अपनी गलतियां सुधारे, थोड़ा सा देख लें, चेक कर लें कहां गलती हो रही है। तो ये दो गलतियां, ये भी गलती है, 16(4)A में प्रावधान है प्रमोशन एंड रिजर्वेशन का, आंकड़े मैंने आपको दे दिए कि ये होना चाहिए, ये मिलना चाहिए। हम आईएएस पीसीएस तो बन जाते हैं हमारे लोग रिजर्वेशन के दम पे, लेकिन वो कभी डीआईजी डीजीपी नहीं बन पाते हैं, डीआईजी नहीं बन पाते, प्रमोशन नहीं मिलेगा। और ऐसा सैकड़ों ऐसे मामले सीआर में जो रेड कलम चलती है। हम चाहते हैं सब लोगों को बराबर के अधिकार मिले और ऐसी छेड़खानी ना हो, तो माननीय न्यायालय भी इस पर गौर करें। और बाकी तैयारी हमारी है कि 16 तारीख को हम लोग मार्च करेंगे जंतर मंतर से पार्लियामेंट तक, मंडी हाउस से पार्लियामेंट 16 तारीख को, समय 1 बजे से स्टार्ट करेंगे, 12 से 1 के बीच में स्टार्ट करेंगे, ये है। और दूसरा 23 तारीख को हम लोग भारत बंद बुला रहे हैं। सब लोगों से उम्मीद करेंगे कि जो भी पूरे देश में एससीएसटी ओबीसी के नेता हैं, उनके जो संगठन है, उन सब लोगों से उम्मीद करेंगे वो समर्थन करें। 23 तारीख को हमारा भारत बंद रहेगा, अगर उससे पहले सरकार इस पर अध्यादेश नहीं लाती है और इसको 9वीं अनुसूची में नहीं डालती है, तो 23 तारीख को हमारा भारत बंद रहेगा। और क्योंकि ये समाज का मामला है, पूरे बहुजन समाज का, हमारे अधिकारों की बात है, कॉन्स्टिट्यूशन की हत्या की बात है, तो हम सभी नेताओं से और सभी संगठनों से अपील करेंगे, एससीएसटी ओबीसी माइनॉरिटी के जो नेता संगठन है कि वो इसका समर्थन करें। तो 23 तारीख को हमारा बंद है और 16 तारीख को हमारा मार्च है मंडी हाउस से और पार्लियामेंट तक। और हम चाहेंगे कि अगर सरकार जन भावना भी सुने, सुप्रीम कोर्ट भी, कि ये हमारा राइट्स है, इस देश में बड़ा भेदभाव हो रहा है, इसे हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम अपने लोगों के अधिकारों को लड़ेंगे। हमारे अधिकारी कर्मचारी त्रस्त हैं, सारी सरकारें उनका शोषण कर रही है, उनको अकेला नहीं छोड़ सकते, और ये हमारी आने वाली पीढ़ियों का सवाल है। और जिस तरह का डिस्क्रिमिनेशन यहाँ है आप सब लोग जानते हैं, मुझे बार बार चिल्लाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है चिल्लाना गलत है, फिर हमें सड़क पर आकर आंदोलन करने पड़ेंगे, इसकी डेट मैंने आपको बता दी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं ये भी कंफर्म कर दूं आपको कि जो MPMLA है ना, शेड्यूल कास्ट के SST OBC के, अगर ये नहीं सुनेंगे हमारी बात तो उनके घरों का घेराव करेंगे हम लोग, इनसे सवाल पूछेंगे, हमारा अधिकार है, हमारे लोगों ने वोट देकर बनाया, इनसे सवाल पूछेंगे कि क्यों नहीं बोल रहे हमारे मामलों में। इसलिए बाबा साहब ने आपको दिया था रिप्रेजेंटेशन, ये SC ST से तो जरूर पूछेंगे, पूछेंगे जो उनके हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ असेंबली है, लेकिन SC ST को इसलिए पूछेंगे कि रिजर्वेशन की सीटों पर बैठे हैं, वहां जाके जो SC ST के MPMLA उनसे जरूर सवाल करेंगे, उनका घेराव करेंगे और उनसे उम्मीद करेंगे कि वो जागे। अब उम्मीद है उनसे कि वो कम से कम उस संविधान का सम्मान करें, बाबा साहब की उस मेहनत का सम्मान करें जो उन्होंने अधिकार दिए हमें जी। हाँ, एक और ये भी आ गई है, क्योंकि कुछ चीजें मैं नहीं बोल पाया तो साथी याद दिला रहे हैं, वो ये है, हम सभी पार्टियों से भी निवेदन करेंगे कि वो भी आज दलित पिछड़े आदिवासी धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकार का, उनकी आने वाली पीढ़ियों का क्या वो रहेगा वजूद इस देश में, उसका सवाल है, हम उनसे भी उम्मीद करेंगे समर्थन करें। और अगर नहीं करते तो उनका ये भी पता लगता कितने हितैषी हैं वो, हमारे लोग भी जरा जाग जाए देख लें कि कौन दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का, धार्मिक अल्पसंख्यकों का हितैषी है और कौन विरोधी है। जो समर्थन नहीं करेगा हम उनका भी ख्याल रखेंगे, सब लोग, ये लोकतंत्र है, हम ही बनाते हैं सब लोगों को, तो ये स्पेशल रिक्वायरमेंट है कि वो सब लोग इसका समर्थन करें, क्योंकि हमारे मूलभूत अधिकारों के देश के कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला है RSS बीजेपी का। तो यही हमने जमा मस्जिद के ऐतिहासिक सीढ़ियों से कहा था कि इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, मुसलमान बहाना है, असली चोट दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को देनी है, धार्मिक अल्पसंख्यकों को इनको निकालना है, इनको कैद करके मनुस्मृति लागू करनी है, ये सच्चाई है। शुक्रिया जी। थावरचंद गहलोत जो खुद SC MP हैं, उन्होंने जब पार्लियामेंट में जब उनसे मांगा गया रिप्लाई, तो उनका कहना था कि सरकार जो है कि पूरे मसले में कहीं पे भी पार्टी नहीं है, आप इस क्वेश्चन को कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो फैसला आया ना अभी 7 तारीख में, ये बीजेपी गवर्नमेंट और उनके वकील से लेके गए वहां पर उत्तराखंड से, आप चेक करें उसमें लिखा हुआ है किसकी सरकार है, उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है, और उन्होंने कहा है कि हम नहीं देंगे, वो कोर्ट लेके आए, तो बीजेपी का चाल चलन यहाँ साबित हो रहा है क्या है, तो वो आपस में बैठकर डिस्कशन ना करें, उसको जमीन पे भी लेके आए क्या है। एक तरफ आप खत्म करवा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जाके, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हम इस पर विचार कर रहे हैं, विचार से काम चलेगा, रिजल्ट चाहिए जी।
तेज बोलिए मतलब पैसे लेकर कन्हैया कुमार भी संघर्ष कर रहे देखिए जो बहुजन विचारधारा पे काम करेंगे उन सब लोगों के साथ खड़े हैं और हम खुद जाके ले आएंगे जो बहुजन विचारधारा पर बाबा साहब कॉन्स्टिट्यूशन के लिए काम करेंगे। तो किसी से हमारी लड़ाई नहीं, हम कह रहे हैं ये संविधान बचाने की लड़ाई, सब लोग आए। लेकिन याद रखें कि इस देश में एक बड़ा तबका है जिसको इग्नोर करके उनका नेता बनने का प्रयास किया जाता है हमेशा। ये नहीं होगा, आप बहुजन ही नेता रहेंगे हमेशा, क्योंकि लोकतंत्र में क्या होता है जिनकी ज्यादा वोट होती है वो सरकार में रहते हैं। अब ये नहीं हो रहा, अब तो हम प्रयास करेंगे कि बहुजन समाज के वास्तविक लोग सरकार में आए और उनके हितों के लिए काम करें। सर,